अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से उसके आसपास के कुछ देशों के लिए खतरा बढ़ गया है। इन्हीं देशों में से एक है भारत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की वजह से वहां आतंकी गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। दूसरे आतंकी संगठनों के लिए अब अफगानिस्तान एक सुरक्षित ठिकाना बन सकता है और ये आतंकी संगठन तालिबान के साथ मिलकर भारत का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा तालिबान और पाकिस्तान आतंकियों के साथ आने से होगा। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान अब लश्कर, जैश और दूसरे आतंकी कैंप पीओके से शिफ्ट कर अफगानिस्तान ले जा सकता है। पाकिस्तान और तालिबान का ये गठजोड़ सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को प्रभावित कर सकता है। भारत में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान तालिबान का साथ लेता रहा है। साल 1999 के कंधार प्लान हाईजैक को भी पाकिस्तानी आतंकियों ने तालिबान के साथ मिलकर ही अंजाम दिया था। हालांकि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने कश्मीर पर अपना रुख साफ कर दिया है। तालिबान का कहना है कि कश्मीर उसके एजेंडे में नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और तालिबान उसमें दखल नहीं देगा। साथ ही तालिबान ने ये भी कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में जो भी विकास कार्य शुरू किए हैं वो उसमें किसी तरह की अड़चन नहीं डालेगा। भारत की ओर से वहां करीब $3 अरब का निवेश किया गया है। तालिबान ने भारत के राजनयिकों को भी सुरक्षा देने की बात कही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान कभी भी अपने वादे से पलट सकता है। इसीलिए भारत अपने लोगों को लगातार अफगानिस्तान से निकाल रहा है। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते दोस्ताना रहे हैं, लेकिन अब तालिबान के आने के बाद से हालात पहले जैसे नहीं रहे। फिलहाल तालिबान दुनिया के सामने अपनी छवि साफ रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जानकारों और पीड़ितों का कहना है कि वो कभी नहीं सुधर सकता। भारत भी तालिबान की हरकतों पर नजर बनाए हुए है और पहले से ज्यादा सतर्क है। ABP News आपको रखे आगे।